हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सिक्कर में। तो फ्रेंड्स, अपने चल रहा था लेसन थर्ड बायोलॉजी का, जिसके दो पार्ट अपन ने देख लिए। आज अपन जो पार्ट थर्ड है उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें आज अपन देखेंगे भ्रूणपोष, भ्रूण का परिवर्धन, बीज परिवर्धन आदि के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आप नोट्स वगैरह लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखना, आगे की जो अपनी हेडिंग आएगी वह क्या आएगी, भ्रूणपोष। इससे पहले का जो मैटर था अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल सकता आपको, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, चालू करते हैं। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन के द्वारा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनता है एवं इसका निर्माण हमेशा निषेचन के दौरान होता है। इसका जो निर्माण होता है वह निषेचन के दौरान होता है, परंतु जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। यह अगुणित होता है यानी गुणसूत्री संख्या अपन मानते हैं इसमें आदि मानी जाती है। फिर आगे अपन देखते हैं कि भ्रूणपोष जो होता है भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। विकास की क्रिया के आधार पर भ्रूणपोष जो होता है मुख्य तीन प्रकार का, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो इसलिए। एक तो अपने बार बार नाम आता है भ्रूणकोष, एक तो आता है भ्रूणकोष और एक आता है भ्रूणपोष, यानी कि एक में तो कोष आ रहा है और एक में पोष आ रहा है। तो कोष का मतलब तो है भ्रूण के चारों ओर का आवरण जो होता है वह तो भ्रूणकोष होता है, और पोष जो होता है वह अपन कहते हैं भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो उसे क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। यानी भ्रूणकोष के अंदर अपन कहते हैं कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब तो जो भ्रूणपोष होता है मुख्य तीन प्रकार के बनते हैं, केंद्र के, कोशिकीय और एलोबियल भ्रूणपोष। सबसे पहले अपन बात करते हैं, हेडिंग लगाएंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण करता है। केंद्रकों का निर्माण करने के कारण इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। यह केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं तथा मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी, सारे जो केंद्रक होंगे वह अपन कहेंगे परिधि की ओर आ जाती हैं। कुछ समय पश्चात केंद्रक के चारों ओर भित्ति निर्माण हो जाने से वह कोशिकीय हो जाता है। कुछ समय पश्चात जो केंद्रक परिधि की ओर गए थे उनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाने से वह कोशिकीय हो जाता है और आवर्त बीजी के लगभग 56% कुलों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल का पानी भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। ये जरूर याद रखना आप लोगों को कि नारियल का जो पानी है वह केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल माना जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। इस भ्रूणपोष में एक द्रव्य भरा रहता है जिसमें बहुत से केंद्रक जो होते हैं वह तैरते हुए रहते हैं। इसे द्रव्य भ्रूणपोष भी कहते हैं, यानी लिक्विड एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जो ये डायग्राम दे रखी है इसमें जो अपन केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है यह क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है। इसमें क्या बताया गया है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें ये कि जो यह अपने पास चारों तरफ क्या दे रखा है, एक भ्रूणपोष दे रखा है। तो इस भ्रूणपोष में अपन कहते हैं बीचों बीच ये बड़ी एक क्या बन रही है, रिक्तिका दिखाई दे रही है। बीचों बीच अपने को ये जो बड़ी दिखाई दे रही है खाली जगह, ये क्या है, रिक्तिका। इस रिक्तिका के बनने के कारण अपन कहते हैं कि जो ये छोटी छोटी संरचनाएं, ये क्या है, जो केंद्रक है वह किधर चले गए, परिधि की ओर चले जाते हैं, और ये इनमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और ऊपर की तरफ ये क्या है, भ्रूण उपस्थित रहता है। तो ये संरचना जो होती है वह अपने केंद्रकीय भ्रूणपोष की संरचना होती है। फिर जो सेकेंड नंबर का अपना कोशिकीय भ्रूणपोष, उसके बारे में देखते हैं।
कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है, अतः यह प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय ही रहता है। यानी इसमें अपन कहेंगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजन के साथ कोशिका भित्ति भी बनती जाती है। यानी कि इसमें जो अपन कहेंगे केंद्रक है वह विभाजित हो रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या बनती जाएगी, कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता जाता है। और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है, सामान्य तौर पर अपन देखते हैं, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसमें चूषकांग विकसित हो जाते हैं, उसमें चूषकांग विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो गेमोपेटेलीवर के जो सदस्य होते हैं उनमें यह पाया जाता है। तो यह दूसरा जो दे रखा है कोशिकीय भ्रूणपोष अपने दे रखा है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि इस भ्रूणपोष में केंद्र का विभाजन हुआ, दो केंद्रक बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके बीच क्या बन रही है, कोशिका भित्ति वगैरह भी बनती जा रही है। तो उसे अपन कह सकते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अपन जो थर्ड भ्रूणपोष अपना हेलोबियल भ्रूणपोष, यानी कि यह केंद्र के और कोशिकीय दोनों का मिक्स रूप होता है। यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मध्यवर्ती भ्रूणपोष होता है, यानी कि केंद्रकीय और कोशिकीय उन दोनों के मध्य का अपन इसे मान सकते हैं। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी व एक छोटी कोशिका बनती है। निभागी छोर वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त विभाजन होता है तथा कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो अंडद्वार तरफ की स्थित बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन व भित्ति निर्माण क्या होता है, साथ साथ होता है। इस प्रकार यह केंद्र के व कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है मानते हैं। केंद्र के का तो इसलिए मानते हैं कि लगातार केंद्रक विभाजन से केंद्रक बनता है लेकिन भित्ति नहीं बनती है, और कोशिकीय का रूप इसलिए मानते हैं कि एक केंद्रक फिर भित्ति फिर केंद्रक फिर भित्ति साथ साथ में क्रिया चलती है। तो एग्जाम्पल देखें तो एक बीजपत्री पौधों के जो हेलोबियल गण के सदस्य हैं उनमें इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो तीनों प्रकार के भ्रूणपोष अपने हो चुके हैं। तो थर्ड देखो ये दे रखा है, इसमें अपन देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वह तो केंद्र के भ्रूणपोष को प्रदर्शित कर रही है ये संरचना, तो जिसमें अपन लगातार केंद्र, और नीचे वाले जो हर रहे हैं उसमें केंद्र के साथ कोशिका भित्ति भी बन रही है तो वह कोशिकीय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन दोनों का मिला जुला यह रूप है। आप लोगों को ये तीनों डायग्राम इसके बनाने, ये लीजिए आपके सामने तीनों डायग्राम है, या वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अब आगे देखिए, भ्रूणपोष की चर्चा तो हो गई, भ्रूणपोष के कार्य देखते हैं कि भ्रूणपोष के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए भ्रूणपोष के कार्य, भ्रूणपोष की कोशिकाओं में पादप जाति के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यह भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में उसे पोषण उपलब्ध करवाता है। कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूणपोष में चूषकांग पाए जाते हैं जो भ्रूणपोष या उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का चूषण करने का कार्य करते हैं। भ्रूणपोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। यानी सीधी सी बात यही है, भ्रूणपोष क्या करता है कि जो निषेचन से जो भ्रूण बनता है भ्रूणकोष में, उन सबको क्या करता है, यह पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य कार्य माना जाता है। अब देखिए भ्रूणपोष का कार्य तो हो गया, अब अपन चर्चा करेंगे कि जो भ्रूण का परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है, निषेचन के फलस्वरूप जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हेडिंग आ जाएगी भ्रूण परिवर्तन, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण निर्माण और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप केप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हैंस्टीन ने 1840 में किया था। देखिए दो लाइनों में दो क्वेश्चन बन रहे हैं, भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, हैंस्टीन ने किया था, और किस कुल के पादप में किया, क्रूसीफेरी कुल के पादप में। पादप कैसा था, द्विबीजपत्री था। पादप का नाम क्या था, केप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया था। इतने क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ उसी का वर्णन अपन देखेंगे
तो सामान्यतः निषेचन के समय भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़कर या संयोजित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, और उस युग्मनज में प्रथम विभाजन कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। यानी अपन कह रहे थे कि जब भ्रूणकोश के अंदर एक नर युग्मक और अंडकोशिका दोनों जुड़ गई थी, संलयित हो गई थी, तो उससे निषेचन हुआ था, निषेचन से क्या बना था, भ्रूण बना था। तो उसी इससे बात कर रहे हैं कि जब वो जो युग्मनज बन जाता है युग्मक के मिलने से, तो उसमें जो प्रथम विभाजन होता है वह अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता ही है, प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे एक तो शीर्षस्थ कोशिका बनती है जिसे एपिकल सेल कहते हैं, और साथ ही एक क्या बनती है, आधारीय सेल बनती है जिसे अपन बेसल सेल्स के नाम से जानते हैं, यानी दो सेल्स बन जाती है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर पाई जाती है, जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वह अपन कह देते हैं निभाग भाग ऊपर की तरफ, और आधारीय कोशिका जो होती है बीजांड द्वार भाग की ओर स्थित होती है। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य यानी कि इस प्रकार से लंबवत, जबकि आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इस प्रकार से रेखीय अनुप्रस्थ विभाजन होता है, लगभग साथ साथ होते हैं, दोनों में साथ साथ चलते रहते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन से निर्मित दोनों शीर्ष कोशिकाओं में पुनः पूर्व विभाजन के लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन भी होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अनुदैर्ध्य विभाजन से निर्मित दोनों शीर्ष कोशिकाओं में पुनः पूर्व विभाजन के लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे दो से कितनी बन जाएगी, चार कोशिकाएं बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, चतुष्टांशक कहते हैं। यानी कि दो कोशिकाएं थी उनमें दोबारा विभाजन होगा तो दो से चार बन जाएगी, जिसे अपन चतुष्टांशक कहते हैं। इस चतुष्टांशक में यानी चार से मिलकर है चतुष्टांशक में पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, पुनः विभाजन होगा तो चार से कितनी बन जाएगी, आठ बन जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, अष्टांशक। पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन से अष्टांशक का निर्माण होता है। यह जो अष्टांशक बन जाता है, इसकी जो प्रत्येक सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसमें परिणत विभाजन यानी कि पेरिक्लिनल डिवीजन की क्रिया होती है, होने से एक आठ कोशिकीय बाह्य परत, एक आठ कोशिकीय बाह्य परत, बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन तथा एक आठ कोशिकीय आंतरिक परत बनती है। एक आठ कोशिकीय बाह्य परत बनती है, इसे बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन कहते हैं, और एक आठ कोशिकीय आंतरिक परत का निर्माण भी बनता है। जो बाहर की ओर जो डर्मेटोजन बनती है ना, उसमें अनेक अपनत विभाजन होते हैं, एंटीक्लिनल विभाजन होते हैं, जिससे जो बनने वाला जो भ्रूण होता है उसकी जो बाह्य त्वचा यानी जो एपिडर्मिश होती है उसका निर्माण हो जाता है। तो आगे अपन देखेंगे स्टूडेंट्स की जो आंतरिक कोशिकाओं से बीजपत्राधार जिसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, बीजपत्र के भरण विभज्योतक तथा प्राक एदा तंत्र प्रोकेम्बियल सिस्टम बनते हैं, यानी उसका निर्माण होता है। फिर जो आधारीय कोशिका होती है ना, आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप सात से दस कोशिकीय लंबा एक निलंबक यानी कि सस्पेंसर का निर्माण भी कर लेती है। निलंबक की अंतिम जो कोशिका होती है ना, फूलकर एक चूषकांग कोशिका बना लेती है। चूषकांग कोशिका जो चूषण का कार्य, अवशोषण का कार्य करती है, जो भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य भी करती है। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित कोशिका क्या कहलाती है, अधःस्पीतिका या हाइपोफाइसिस भी कहलाती है। जो मूलांकुर जो होता है रेडिकल के साथ मूलांकुर शीर्ष का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए जो बात अपन ने पढ़ी है उसको सारे को मैं आपको इस डायग्राम में समझाने वाला हूँ। तो इस डायग्राम में देखिए अपने क्या हो रहा है, ये डायग्राम अपने दे रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जब निषेचन हुआ था, एक नर युग्मक और एक अंडकोशिका दोनों में संलयन हुआ, तो दो युग्मक मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बन जाता है। पहली स्ट्रक्चर दे रखी है युग्मनज। इस युग्मनज में क्या है, बीचों बीच अपन देख रहे हैं कि एक केंद्रक है या एक कोशिका है युग्मनज। अब इस कोशिका में क्या हुआ, यहाँ पर विभाजन हुआ, फर्स्ट जो सेल्स है उसमें विभाजन हुआ, तो जो बी में अपने को दिख रहे दो सेल्स का निर्माण हो रहा है। एक तो अपन कहेंगे कि निलंबक सेल बन रही है,
यानी कि एक तो बन रही है जो निभागीय भाग की और एक आधारी है कोशिका, दो का निर्माण अपने को इस डायग्राम में दिख रहा है। फिर अपन देखेंगे कि जो ऊपर वाली जो अपने को सेल्स दिख रही है उसमें तो देखिए विभाजन हो रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार जो विभाजन होता है उसे अपन अनुदैर्ध्य विभाजन या लंबवत विभाजन कहते हैं। और नीचे वाली जो हो रही है उनमें हो रहा है विभाजन इस प्रकार से, यानी कि अनुप्रस्थ सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाली में तो वह है लंबवत या अनुदैर्ध्य है जिससे एक से दो बन गई, और नीचे जो विभाजन हुआ वह कैसा हुआ अनुप्रस्थ, यहाँ भी दो बन गई, तो टोटल चार का निर्माण हो गया। अब अपन कहेंगे कि जो ऊपर वाली जो है ये यहाँ पर सेल्स उनमें दोबारा विभाजन होता है, आगे अपन देखते हैं कि इसमें दोबारा विभाजन होता है तो दो से कितनी बन जाती है यहाँ पर, एक और दो और तीन और चार, ये चार का निर्माण हो गया, दो से चार का निर्माण हो गया। फिर अपन कहते हैं कि इन्हीं चार में दोबारा विभाजन होने से फिर कितनी बन जाती है आठ, ये दिख रही है अपने को चार और चार बाहर की तरफ, टोटल आठ यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है एफ डाइग्राम में। फिर अपन कह रहे हैं कि आगे इनमें विभाजन और होता है, और विभाजन होता है तो आठ तो अपन कह देते हैं डर्मेटोजन यानी कि बाहरी त्वचा बना रही है, और आठ अपन कह देते हैं कि अंदर की त्वचा का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से अपन कहते हैं इनमें बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है, यानी कि एक प्राक भ्रूण का यहाँ पर क्या हो रहा है निर्माण हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके जो एच नंबर का डायग्राम है इस पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सबसे बाहर तो ये डर्मेटोजन दिखाया गया है, फिर अपन कह रहे हैं कि इसी के अंदर ये पेरिब्लेम भाग दिखाया गया है, ये प्लीरोम भाग है। अब जो इसमें जो नीचे की तरफ यहाँ पर मूलांकुर पार्ट दिया हुआ है मूलांकुर, तो उसमें नीचे की तरफ भी अपने को सेल्स वगैरह प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है। ऊपर वाला तो अपन ने मान लिया क्या है प्रांकुर भाग है जिससे अपन कहते हैं प्ररोह का निर्माण होगा, और नीचे वाला क्या होता है मूलांकुर भाग होता है जिससे जड़ों वगैरह का निर्माण होता है, ये इसमें दे रखा है। बाद में पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो इसे अपन यहाँ पर ये जो जे नंबर का जो डायग्राम है इसमें पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया गया, जिसमें अपने को ये बीज पत्र दिखाई दे रहा है, स्तंभ भाग, मूलीय क्षेत्र है, बीजांड का है, भ्रूणकोशीय केंद्र है, निलंबक जो पार्ट होता है जो चूषकांग का कार्य करता है वो भी इसमें प्रदर्शित है हो रहा है यहाँ पर, और ये बाह्य और अंतःद्यावरण भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से बनाना है और डायग्राम के माध्यम से इस क्रिया को समझना है। डायग्राम के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपना जो वीडियो चल रहा है उसको रोककर भी आप यहाँ डायग्राम बना सकते हो। अब आगे अपन देखेंगे कि फिर डायग्राम के पश्चात जो शीर्षस्थ कोशिका थी ना, उस शीर्षस्थ कोशिका से विभाजन फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में लगातार विभाजन के बाद भ्रूण पहले तो गोलाकार होता है और बाद में कैसा हो जाता है हृदय के आकार का हो जाता है, जैसा अभी डायग्राम में अपन ने देखा था, और इसमें दो पालियां भी बनने लगती है जो बीज पत्रों में विकसित हो जाती है, जो पालियां बनती है बीज पत्रों में विकसित हो जाएगी, और पालियों के मध्य रिक्त पालियों के मध्य स्थित खांच के आधारित भाग से प्रांकुर का विकास होता है। पालियों के मध्य स्थित खांच के आधारित भाग से प्रांकुर का विकास होगा, इसलिए भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति तो होती है शीर्षस्थ और बीज पत्रों की पार्श्वीय होती है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में प्रांकुर क्या होते हैं पार्श्वीय होते हैं। देखिए इसमें दे रखा है कि भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति शीर्षस्थ होती है और बीजपत्र पार्श्व में होते हैं, परंतु जो एक बीजपत्री पादप होते हैं ना उसमें थोड़ा उल्टा होता है, उसमें अपन देखते हैं कि जो प्रांकुर होते हैं वह कैसे होते हैं पार्श्वीय होते हैं। अब आगे देखिए कि परिपक्व जो भ्रूण है परिपक्व भ्रूण दो बीजपत्र व भ्रूणी अक्ष में विभेदित हो जाता है। भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर से ऊपर का जो भाग होता है वह तो बीजपत्रों पर ही कहलाता है, कि भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर से ऊपर का भाग बीजपत्रों पर ही तथा नीचे का भाग बीजपत्राधार कहलाता है हाइपोकोटाइल। बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल के शीर्ष पर प्रांकुर स्थित होता है, जो बीज पत्रोपरिक होता है उसके शीर्ष पर प्रांकुर स्थित होता है, और बीज अंकुरण के समय प्रांकुर से प्ररोह तंत्र तथा मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित हो जाता है। बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है जो अंकुरण के समय नवोद्भिद यानी कि नए निर्मित भ्रूण को स्थापित करने के लिए पर्याप्त रहता है, यानी उसे पोषण प्रदान करने के लिए सहायक होता है। तो ये भ्रूण परिवर्धन यहाँ पर अपने दिया हुआ था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को दो बार देखिए, अच्छी प्रकार से समझिए डायग्राम के साथ में। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए, ग्रुप में नोट्स ज़रूर सेंड कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, इसी से आगे वाले टॉपिक जो है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।